आणि अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी केलेल्या हक्कभंगाच्या तक्रारीनंतर राज्यातल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे। राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ, मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे, अमरावतीच्या पोलीस आयुक्त आरती सिंह आणि अमरावतीचे पोलीस उपायुक्त शशिकांत सातव यांना नोटीस पाठवून 6 एप्रिलला लोकसभा सचिवालयात हजर राहायला सांगण्यात आले। नवनीत राणा यांनी हक्कभंगाची तक्रार दाखल केली होती आणि त्यानुसार लोकसभा सचिवालयानं महाराष्ट्रातल्या विविध पोलीस अधिकाऱ्यांना सचिवालयात हजर राहायला सांगितले। या अधिकाऱ्यांमध्ये अमरावतीच्या पोलीस आयुक्त आरती सिंह, मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे, त्याचप्रमाणे राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ यांचा समावेश आहे। नवनीत राणा यांच्या हक्कभंग प्रकरणी कोणत्या पोलीस अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवण्यात आली त्यावर एक नजर टाकूयात। ज्या अधिकाऱ्यांना सचिवालयामध्ये हजर राहायचे त्याच्यामध्ये पहिलं नाव आहे रजनीश शेठ, राज्याचे पोलीस महासंचालक आहेत आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनाही नोटीस पाठवण्यात आली आहे। या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह आरती सिंह, ज्या अमरावतीच्या पोलीस आयुक्त म्हणून सध्या कार्यरत आहेत, आणि अमरावतीचे पोलीस उपायुक्त शशिकांत सातव यांचाही समावेश आहे। आणि या नोटीस संदर्भात आमदार रवि राणा यांनी काय प्रतिक्रिया दिली तीही जाणूयात। ज्या पद्धतीने आरती सिंहनी ज्या पोलिसांच्या वर्दीचा दुरुपयोग केला, कायदा बाजूला ठेवून उद्धव ठाकरेंच्या सांगण्यावरून आम्हाला घरी 3 वाजता डिटेन करणं, आमच्या लहान लहान मुलाला धमकवणं, आमच्या कुटुंबांना धमकवणं, अशा प्रकारची सुपारी आरती सिंहनी त्या ठिकाणी उद्धव ठाकरे यांच्याकडनं घेतलेली आहे। आणि वारंवार आम्हाला सांगतात तुम्ही उद्धव ठाकरेंना भेटा, त्यांच्याकडनं बसून काहीतरी कॉम्प्रोमाइज करा आणि त्यांच्या पक्षाशी जवळीकता आणा, अशा प्रकारची सुपारी आरती सिंह सीपी यांनी घेतलेली आहे। त्या संदर्भात प्रिव्हिलेज दाखल झाला आहे, त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होणारच आहे। पण त्यासोबत त्यांची अवैध संपत्ती जी आहे, जी संपत्ती त्यांनी अवैध पद्धतीने जमा केली ती वेगवेगळ्या राज्यामधली, ती सुद्धा ईडी आणि सीबीआयच्या माध्यमातून चौकशी करून त्याच्यावर सुद्धा कारवाई आम्ही करणार आहे। आणि खासदार नवनीत राणा यांनी हा मुद्दा लोकसभेमध्ये उपस्थित करून पोलीस अधिकाऱ्यांची तक्रार केली होती। लोकसभेमध्ये नवनीत राणा नेमका काय म्हणाले होते या मुद्द्या संदर्भात बघूया। जब हमने किसानों के आंदोलन किए, सर किसानों के हित में आंदोलन किए, कोई क्राइम ना करते हुए हमें पुलिस की गाड़ी में क्रिमिनल, सर क्रिमिनल जैसा बिठाकर गाड़ी से लेके सीपी कमिश्नर ऑफिस में लेके गए और वहां पे सीढ़ियों पे बाहर बिठा के हमारी बेइज्जती की गई, मुझे इंसल्ट किया गया, मुझे बदतमीजी से बात की गई। ऐसा महाराष्ट्र में हो रहा है। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ 16 जनवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाने के बाद सर आधी रात को छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाया जाता है और जबरन 100 से 150 पुलिस हमारे घर में आती है। मेरे बुजुर्ग माता पिता वो घर में रहते हैं, मेरे छोटे बच्चों के सामने पुलिस वाले बोलते हैं ये ऊपर से हमें आदेश आया है, अगर तुमने हमारी बात सुनी ना तो यहाँ से घसीट के तुम्हें कमिश्नर के ऑफिस में और जेल में डाला जाएगा। सर सर लास्ट सर 1 मिनट सर और सर 1 मिनट और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके ऊपर अत्याचार करके 307 का गुना उन पे लगाया। विधायक रवि राणा दिल्ली में रहने के बाद उन पे 307 गुना दाखिल किया सर। और 2 दिन पहले मैंने एक सीनियर कॉलीग को हमारी आरती सिंह के बारे में उसकी बाजू लेते हुए सुनाई दिया सर 1 मिनट लास्ट, उनकी तारीफ सुनाई दी, उनका कोई केस दिल्ली में आया है। अगर महिला की बाजू ले सकते तो ये भी एक महिला, ये सदस्य की एक सदस्य रहने के नाते मैं आपसे विनती करती हूँ सर उन पे कार्रवाई की जाए। और ये पेन ड्राइव सर, ये पेन ड्राइव में उनके पूरे पुरावे हैं सर, ये फोटो है आप देख सकते हैं। जिस तरीके से मुझे एक गाड़ी में बिठा के यहाँ से कमिश्नर के ऑफिस लेके गया, उस करप्ट सीपी पे कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी लगनी चाहिए, सीबीआई के माध्यम से उसकी कार्रवाई होनी चाहिए सर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।